हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गेट्स मेशर। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंट्रोडक्शन टू एसक्यूएल। इंट्रोडक्शन के साथ साथ हम एसक्यूएल की हिस्ट्री और इसके सिलेबस के बारे में भी थोड़ा डिस्कस करेंगे, क्योंकि बहुत बार स्टूडेंट्स की क्वेरी आती है कि हमें एसक्यूएल के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिनको कवर करना है, चाहे वो हायर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बारे में हो या फिर आपकी प्लेसमेंट के बारे में हो। तो कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जिनकी वेटेज सबसे ज़्यादा है, जिनकी प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं SQL is what? Structured Query Language। यहाँ पे सबसे पहले मैं वर्ड उठा रहा हूँ लैंग्वेज। हम जनरली लैंग्वेज का यूज क्यों करते हैं? कम्युनिकेशन के लिए। जैसे मैं यहाँ पे लैंग्वेज कौन सी यूज कर रहा हूँ? हिंदी लैंग्वेज यूज कर रहा हूँ, जिससे आप लोग मेरी भाषा को अच्छे से समझ सकते हो। जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ वो चीज आप यहाँ पे अच्छे से समझ सकते हो। तो है क्या एक्चुअल में, यहाँ पे आप कह सकते हो कि दो इंटरफेस है या दो तरफ, यहाँ पे एक तरफ यूजर है और एक तरफ दूसरे यूजर्स है। तो इन दोनों को आपस में कम्युनिकेशन करने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? लैंग्वेज की। और ऐसे ही अगर हम बात करें यहां पे अपने सिस्टम की, तो सिस्टम में भी एक तरफ क्या होता है? यूजर है और दूसरी तरफ है डेटाबेस। अगर हम यहां पे बात करें स्ट्रक्चर डेटा की, तो दूसरी तरफ है डेटाबेस। तो यूजर उस डेटाबेस से कैसे इंटरेक्ट करेगा, कैसे कम्युनिकेट करेगा? बाय यूजिंग अ लैंग्वेज। लेकिन कौन सी लैंग्वेज? स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। और स्ट्रक्चर ही क्यों? बिकॉज हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, स्ट्रक्चर का मतलब है जिसका फिक्स्ड डेटा मॉडल हो। डेटा मॉडल मतलब जब भी हम स्ट्रक्चर डेटा को स्टोर करते हैं, हम किसका यूज करते हैं? टेबल्स का, या जिसको हम बोलते थे रिलेशंस। टेबल्स को हम रिलेशन भी बोलते हैं, इसीलिए हम इस सब्जेक्ट को कई बार रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम भी बोल देते हैं, बिकॉज हमेशा हम डेटा को रिलेशन या टेबल की फॉर्म में स्टोर करते हैं। तो यानी मेरे पास जो स्ट्रक्चर है, जिस जगह पे मुझे डेटा डालना है, वो ऑलरेडी फिक्स्ड है, वो क्या है? टेबल। तो इसीलिए इसको बोलते हैं स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। तो जब भी हमें स्ट्रक्चर डेटा के ऊपर कोई क्वेरी करनी है, डेटा को फेच करना है, डेटा को स्टोर करना है, हम किसको यूज करते हैं? एसक्यूएल, दैट इज स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। और स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज का एक्चुअल में कॉन्सेप्ट कहां से स्टार्ट हुआ? 1970 से। 1970 में The साइंटिस्ट EF कोड, जिनको हम फादर ऑफ DBMS भी बोलते हैं, EF कोड ने रिलेशनल मॉडल मतलब जिसमें डेटा को हम टेबल्स की फॉर्म में स्टोर करते हैं, रिलेशनल मॉडल के ऊपर एक पेपर पब्लिश किया था। उस पेपर के ऊपर उन्होंने एक्चुअल में इंप्लीमेंट करने की कोशिश की थी थ्योरेटिकली, कि हम डेटा को स्टोर भी किया जा सकता है, उसके बाद डेटा को फेच भी किया जा सकता है। और इस चीज को उन्होंने प्रूव करने के लिए किसकी हेल्प ली? रिलेशनल एलजेब्रा की, और साथ साथ टपल रिलेशनल कैलकुलस की। उन्होंने एक्चुअल में यूज किया मैथमेटिकल फंक्शंस को। रिलेशनल एलजेब्रा जो है, एलजेब्रा मैथमेटिक्स है, टपल रिलेशनल में भी क्या हम यूज करते हैं? मैथमेटिक्स। तो उन्होंने इन दो मैथमेटिकल फंक्शंस को, उसके अंदर फॉर्मूलाज को यूज किया, और फिर उन्होंने शो किया कि हम डेटा को एक्चुअल में किसी जगह पे स्टोर भी किया जा सकता है और बाद में उसको फेच भी किया जा सकता है। उस पेपर के बेस पे लेटर ऑन IBM ने, IBM कंपनी ने एक्चुअल में स्टार्ट किया इंप्लीमेंटेशन, क्योंकि EF कोड ने तो क्या दिया? एक थ्योरेटिकल मॉडल दिया कि कैसे हम डेटा को स्टोर करते हैं, पाई, प्रोजेक्शन, सारे मैथमेटिकल बेस्ड फंक्शन थे। लेकिन उसी चीज को बाद में IBM ने क्या किया? इस लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दिया, दैट इज स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। और इनिशियली इसको हम बोलते थे सिंपल इंग्लिश क्वेरी लैंग्वेज, SQL। एक्चुअल में पहले SQL का नाम था SQL, इस तरीके से बोलते थे SQL, और उसका मतलब क्या था? सिंपल इंग्लिश क्वेरी लैंग्वेज। लेकिन बाद में इन्होंने नेम इसका शॉर्ट करके क्या कर दिया? स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो SQL के अंदर जितने भी फंक्शंस हम यूज करते हैं, जितने भी कीवर्ड्स हम यूज करते हैं, वो इंग्लिश लेटर के ही हैं, चाहे सेलेक्ट हो, फ्रॉम, वेयर, ग्रुप, हैविंग, ऑर्डर, ज्वाइन, नेचुरल, जो भी आप वर्ड यहां पे यूज करते हो, वो सारे के सारे क्या है? इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर बेस्ड है। तो ये थी एक स्मॉल सी हिस्ट्री ऑफ SQL, क्योंकि कई बार एग्जाम के अंदर या प्लेसमेंट्स में ना थोड़ा हिस्ट्री के ऊपर डेफिनेटली वो पूछते हैं कि आपको थोड़ा हिस्ट्री के बारे में पता है कि कब ये चीज इवोल्यूशन स्टार्ट हुआ, कब ये चीज एक्चुअल में स्टार्ट हुई। उसके बाद तो फिर इसका पूरा कॉम्पिटिशन हो गया ओरेकल मार्केट में, ओरेकल ने इसके ऊपर पूरा काम किया, फिर माइक्रोसॉफ्ट ने अपना SQL सर्वर, IBM ने अपने DB2, अलग अलग जो है डेटाबेसिस को उन्होंने लॉन्च किया। और अगर हम आज की बात करें, आज का सिनेरियो तो टोटली अलग हो गया। अब हम SQL की बात ही नहीं करते, अब हम बात करते हैं नो SQL की। मतलब आज के टाइम पे हमारे पास जो स्ट्रक्चर डेटा है वो बहुत ही कम रह गया, सिर्फ 10% ऑफ द डेटा ऑन दिस अर्थ
वो क्या है, स्ट्रक्चर है। 90% डेटा जो है वो अनस्ट्रक्चर है, जिसके लिए हम नो सीक्वल, बिग डेटा, स्पार्क, MongoDB, ये सारे जो कॉन्सेप्ट्स को हम एक्चुअल में यूज करते हैं। लेकिन आपको एडवांस का तो पता होना ही चाहिए, लेकिन बेसिक जो है वो पहले पता होना चाहिए। तो हम यहाँ पे स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज में सबसे पहला फीचर हमारे पास आता है, SQL इज अ डोमेन स्पेसिफिक लैंग्वेज। डोमेन स्पेसिफिक लैंग्वेज का मतलब क्या होता है, दो टाइप की लैंग्वेज है, डोमेन स्पेसिफिक, जर्नल पर्पस। जर्नल पर्पस मतलब जिसकी एप्लीकेबिलिटी मल्टीपल जगह पे हो, जैसे C++ लैंग्वेज है, वो एक जगह पे यूज नहीं कर सकते, आप मल्टीपल एरियाज में उसको यूज कर सकते हो। लेकिन अगर हम बात करें SQL की, तो वो डोमेन स्पेसिफिक है। डोमेन स्पेसिफिक क्यों है, क्योंकि हम सिर्फ स्ट्रक्चर डेटा मतलब रिलेशनल डेटाबेस के अंदर ही, सिर्फ और सिर्फ रिलेशनल डेटाबेस के अंदर हम क्या यूज कर सकते हैं, SQL को। जहां पे हमारा डेटा टेबल्स की फॉर्म में स्टोर हो, उसको हमने फेच करना हो, वहां पे कौन सी लैंग्वेज यूज करते हो, SQL। लेकिन इसके अलावा SQL का जनरली कोई यूज नहीं होता। तो ये एक पर्टिकुलर डोमेन है जहां पे हम यूज करते हैं, और वो डोमेन कौन सी है, रिलेशनल डेटाबेस। इसीलिए हम इसको बोल देते हैं डोमेन स्पेसिफिक लैंग्वेज। दूसरा पॉइंट यहां पे क्या है, SQL इज अ डिक्लेरेटिव लैंग्वेज। अगेन यहां पे भी दो कैटेगरी है, डिक्लेरेटिव है, प्रोसीजरल है। डिक्लेरेटिव का मतलब क्या होता है, व्हाट टू डू मतलब क्या करना है वो हमें मेंशन करना है, लेकिन हाउ टू डू ये मेंशन नहीं करना। लेकिन अगर हम बात करें प्रोसीजरल लैंग्वेज की, जैसे कि अगर हम C++ की बात करें, तो वहां पे हमारे पास क्या होता है, व्हाट टू डू भी होता है एंड हाउ टू डू भी होता है। मतलब मुझे प्रोग्राम के अंदर दोनों चीज मेंशन करनी पड़ती है कि क्या करना है और कैसे करना है। तो वहां पे हम प्रोसीजर लिखते हैं, फंक्शंस वगैरह लिखते हैं, वो फंक्शन एक्चुअल में डिफाइन करते हैं कि ओके, मुझे लेट्स से किसी नंबर का फैक्टोरियल निकालना है। लेकिन निकालना कैसे है, हम व्हाइल लूप या फॉर लूप को यूज करते हैं। तो वो लॉजिक भी हाउ टू डू कहां पे मेंशन करते हैं, प्रोग्राम के अंदर। लेकिन यहां पे हम सिर्फ मेंशन करते हैं व्हाट टू डू। व्हाट टू डू मतलब लेट्स से मुझे फाइंड आउट करना है नेम ऑफ द स्टूडेंट हु बिलोंग्स टू दिल्ली। तो जो स्टूडेंट दिल्ली से बिलोंग करते हैं उनकी डिटेल निकालनी है, तो हम सिंपल क्वेरी लिखते हैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर एड्रेस इज इक्वल टू दिल्ली। तो हमने सिर्फ एक मेंशन किया, लेकिन इंटरनली ये कैसे काम करता है, वो जो डेटाबेस है वो अपने एंड पे काम करता है। मतलब व्हाट टू डू यहां पे मेंशन करते हैं, हाउ टू डू हम मेंशन नहीं करते। तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं डिक्लेरेटिव लैंग्वेज। लेकिन बाद में SQL का एक एडवांस जो है एड ऑन फीचर आ गया, PL SQL, प्रोसीजरल लैंग्वेज। PL SQL भी जो है वो एक्चुअल में प्रोसीजरल बेस्ड है, लेकिन जो नॉर्मल SQL है वो क्या है, प्योरली या डिक्लेरेटिव लैंग्वेज। इसके अंदर हम जनरली सिंपल जो है कमांड्स को यूज करते हैं, जैसे DDL, DML, DCL, TCL, ये डिफरेंट डिफरेंट कमांड्स हैं डेटा को क्रिएट करने के लिए, डेटा को इंसर्ट करने के लिए, फेच करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, प्रिविलेजेस को देने के लिए। ये सारे के ऊपर, इनके अंदर कौन कौन से कमांड्स हैं, इनके ऊपर ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाई हुई है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ, आप प्लीज उसको चेक कर लो, आपको पता लग जाएगा कि DDL, DML, DCL के अंदर कौन कौन सी कमांड्स एक्चुअल में एग्जिस्ट करती हैं। और ये सबसे पहला पॉइंट है जो सिलेबस के अंदर आपको करना ही करना पड़ेगा, जिससे आपको एक इनिशियल आइडिया हो जाएगा कि SQL के अंदर हम काम करते कैसे हैं। देन हम यहां पे यूज करते हैं कीज एंड कंस्ट्रेंट को, प्राइमरी की, फॉरेन की, कैंडिडेट की, ये सारे क्या है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ कीज जो है हम यहां पे यूज करते हैं। और कंस्ट्रेंट प्राइमरी की कंस्ट्रेंट है, फॉरेन की, नॉट, नल, डिफॉल्ट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंस्ट्रेंट्स है जो डेटाबेस को क्रिएट करने में और रूल्स को अप्लाई करने में हम यहां पे हेल्प लेते हैं कंस्ट्रेंट्स की। देन ऑपरेटर्स में हम लाइक है, बिटवीन, इन, नॉट इन, कंडीशनल, मैंने कुछ कुछ पॉइंट्स यहां पे मेंशन किए हैं ताकि आपको एक ओवरव्यू पता लग जाए कि सिलेबस में एक्चुअल में होता क्या है। तो ऑपरेटर्स में हम लाइक, बिटवीन, इन, नॉट इन, ये बहुत ज्यादा यूज होते हैं। इसके अलावा एग्जिस्ट, नॉट एग्जिस्ट भी हम यूज करते हैं। तो ये सारे जो हैं ऑपरेटर्स हैं जिनको हम इंटरनली यूज करते हैं क्वेरी करने के लिए। मतलब डेटा को हमने स्टोर कर दिया, अब उसके बाद हमने उस डेटा को फेच करना है। जैसे अगर सिंपल से एग्जांपल बताऊं जो आप सब लोग जनरली यूज करते हैं, IRCTC। IRCTC ने किया क्या है, उन्होंने अपना एक स्ट्रॉन्ग डेटाबेस बनाया हुआ है। डेटाबेस में उन्होंने ट्रेन्स का पूरा डेटाबेस बनाया हुआ है, और हम लोग क्या करते हैं, क्वेरी करते हैं। क्वेरी कैसे करते हैं, हम क्वेरी SQL में नहीं लिखते, हमारे पास तो APIs अवेलेबल है, तो हम सीधा एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस को यूज करते हैं और हम क्वेरी करते हैं। लाइक दैट पर्टिकुलर डे पे मुझे कोई ट्रेन को सर्च करना है, उस ट्रेन के अंदर कोई सीट को सर्च करना है, वो एक्चुअल में इंटरनली है क्या, वो एक्चुअल में क्वेरी ही है जो हम स्ट्रक्चर डेटा के ऊपर परफॉर्म करते हैं। और IRCTC इज वॉट, इट इज बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर डेटा एक्चुअली। जब हम उसको खोलते हैं तो आपने अगर मेंशन देखा हो,
तो टेबल्स की फॉर्म में शो होता है। अगर आप चेक करो कि फ्रॉम दिस डेट टू दिस डेट कौन कौन सी ट्रेन अवेलेबल है, कौन कौन सी वैल्यूज अवेलेबल है, तो वो हमेशा ट्रेन की इंफॉर्मेशन जो है वो टेबल्स की फॉर्म में ही शो होती है। तो वो एक स्ट्रक्चर डेटा का एग्जाम्पल यहाँ पे ले सकते हैं। देन हमारे पास है क्लॉजेस। क्लॉजेस में हमारे पास है डिस्टिंक्ट है, ऑर्डर बाय, ग्रुप बाय, फ्रॉम, हैविंग, ये भी मेजरली हम यूज करते हैं क्वेरी के अंदर। देन एग्रीगेट फंक्शन, मिन, मैक्स, हमारे पास एवरेज है, काउंट है, ये डिफरेंट जो है एग्रीगेट फंक्शन हम यूज करते हैं। ज्वाइन एंड नेस्टेड क्वेरी, इस पॉइंट को मैं सबसे ज्यादा स्टार दूंगा यहाँ पे, क्योंकि जो स्टूडेंट्स सबसे ज्यादा जो स्टूडेंट्स फंसते हैं वो कहाँ पे फंसते हैं, ज्वाइंट्स एंड नेस्टेड क्वेरी में, सब क्वेरीज में या नेस्टेड क्वेरी में फंसते हैं, क्योंकि उनको बेसिक आइडिया क्लियर हो जाता है, लेकिन जहां पे उनको ज्वाइंट्स को मतलब दो तीन टेबल्स के कंबाइंड डेटा निकालना होता है वहां पे वो स्ट्रक हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्रैक्टिस की जरूरत है, आपको ज्यादा से ज्यादा टेबल्स बना के उसके अंदर कैसे डेटा को फेच करना है, ये पॉइंट जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। प्लेसमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से तो मैं बोलूंगा ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज ज्वाइंस एंड नेस्टेड क्वेरी। लेकिन अगर हम बात करें कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से तो उसमें भी ऑब्वियसली ये सबसे इंपॉर्टेंट है, लेकिन बाकी भी अपनी वेटेज जो है वो रखते हैं, लेकिन प्लेसमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज ज्वाइंस एंड नेस्टेड क्वेरी या सब क्वेरी जिसको हम कोरिलेटेड क्वेरीज भी बोल देते हैं। देन पीएल सीक्वल। पीएल सीक्वल क्या है? प्रोसीजरल लैंग्वेज है, मतलब सीक्वल जो है वो डिक्लेरेटिव है, उसमें हमने प्रोसीजरल का पार्ट भी ऐड कर दिया जिसमें हम ट्रिगर्स बनाते हैं, फंक्शंस क्रिएट करते हैं, कर्सर्स बनाते हैं, प्रोसीजर्स भी क्रिएट कर सकते हैं। जो प्रोसीजर्स हम सी लैंग्वेज में करते हैं, फंक्शंस क्रिएट करते हैं, वही फंक्शंस हम किस में क्रिएट कर सकते हैं? एसक्यूएल के अंदर, लेकिन उसका नाम रख दिया पीएल एसक्यूएल। तो ये एक्चुअल में प्रोसीजरल है, ये बताती है क्या करना है और कैसे करना है, लेकिन प्योर एसक्यूएल बताती है क्या करना है, कैसे करना है वो आपको मेंशन करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज इंटरनली लाइब्रेरीज में जो अगर आप ओरेकल को यूज कर रहे हो या सीक्वल सर्वर को यूज कर रहे हो, उनकी लाइब्रेरीज में ऑलरेडी डिफाइन होते हैं कि सिलेक्ट का क्या काम है, सब क्वेरीज का एक्चुअल में कमांड्स का क्या रोल है। सो दिस इज ऑल अबाउट द बेसिक्स ऑफ एसक्यूएल।